खावा हो गई मामू मामू रे मामू। भाई हम लोग अखी इंडिया में वर्ल्ड फेमस बन गए ना भाई, लेकिन भाई सब छोड़ के इधर जामनगर में काहे को आए? इधर अपन लोगों का जरूरत है रे सर्किट। भाई इधर अपना क्या जरूरत है? क्या ना सर्किट, पहले अपन डॉक्टर गिरी किया। हाँ भाई। उससे पब्लिक का बहुत फायदा हुआ। फिर गांधी गिरी किया। उससे इंडिया का ही नहीं अखी दुनिया का फायदा हुआ। अपने को भी अप्रिशिएट मिला। मिला कि नहीं? मिला ना भाई। बता क्यों? क्यों भाई? क्योंकि अपन जो भी करता है ना दिल से करता है, डेयरिंग से करता है। करता है कि नहीं? करते हो ना भाई। तो क्या ना सर्किट, इधर जामनगर का वर्कर लोग भी ना ऐसा बहुत बड़ा बड़ा काम करता है, दिल से, डेयरिंग से। लेकिन क्या ना उनका कभी कभी एक छोटा सा मिस्टेक सब पे भारी पड़ता है। भाई कैसा मिस्टेक? अपन इधर अखा प्लांट में ना ऐसा बहुत सारा एक्सीडेंट देख चुका है। और इन एक्सीडेंट्स में ना कभी कुछ वर्कर लोग का जान जाता है, कुछ लोगों को चोट पहुंचता है, कितना सारा प्रॉपर्टी डैमेज होता है। अच्छा नहीं रही है। लेकिन भाई ये सब गलत है ना, ये सब रोकना बनता है भाई। लेकिन कैसे रुकेंगे भाई? आइडिया है सर्किट, जैसे अपन गांधीगिरी को वर्ल्ड फेमस बनाया ना, वैसे अभी सुरक्षागिरी को वर्ल्ड फेमस बनाना मांगते हैं। भाई सुरक्षागिरी बोले तो? सुरक्षागिरी रे सर्किट, मैं समझाता हूं। सुरक्षागिरी बोले तो अपना इन सब पंटर लोग का सेफ्टी। भाई एकदम सही बोले, लेकिन भाई कभी से शुरू कर रहे हो? अभी से। Fall from height, बोले तो ऊंचाई से गिराई। ऊंचाई से गिराई? हाँ सर्किट, ऊंचाई पे काम करना बोले तो एकदम मतलब डेंजर। डेंजर भाई? लेकिन डेंजर में काम करने के लिए अपने को हमेशा रेडी तो रहना मांगता ना। एकदम बराबर भाई। अरे पंटर, ये हेलमेट तुमको काई के वास्ते दिला है? हेलमेट को हेलमेट के माफिक पहनने का। चलो पहनो। क्या बात है? सही है, प्यार से सर्किट। क्या ना भाई, हेलमेट अपनी सुरक्षा गिरी के लिए दिया है, उसको हमेशा पहनने का और सही तरीके से पहनने का, समझा? अभी से समझ गया भाई, एकदम प्यार से सर्किट। आजा तेरे को हार्नेस काई के वास्ते दिला है, बेल्ट समझ ले क्या? अरे सुरक्षा गिरी मांगता तो हार्नेस पहनने का। चल अभी पहन। प्यार से समझाने का रे, राग नहीं देने का, समझेंगे वो लोग। ये पोपट को देख रहे, ये समझाना सर्किट इसको। ए पोपट, तू नहीं सुधरने का रे, तेरे को जल्दी ऊपर जाने का है क्या? नहीं ना, तो काहे को शॉर्टकट लेता रे, वो भी बिना हार्नेस के। आजा सर्किट जल्दी संभाल के। उठो 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 भाई, लगी क्या बहुत? ए क्या रे मामू, तू अलीबाग से आए क्या? सीढ़ी हिला तो तेरा लाइफ भी हिलेगा, कभी सामान के साथ में चढ़ने का नहीं। सही बोलता रे सर्किट। चलो अच्छा हो गया हेलमेट पहना था। आजा चल चल। अरे सर्किट देखो उसको क्या हो गया, क्यों हो भाई? ए पोपट, भाई ने बोला था ना बिना रेलिंग वाला या खुला प्लेटफॉर्म पर काम नहीं करने का। अरे रेलिंग नहीं तो लाइफ नहीं रे। चल अभी हॉस्पिटल चल, उठा रे सर्किट। भाई बहुत भारी है पोपट। अरे उठाना सर्किट। Thank you.
तो क्या ना ऊंचाई पे काम करने के लिए सबसे पहले साइट के आजू बाजू चारों तरफ ऐसा बैरिकेड बनाने। बरोबर भाई। उसके बाद क्या है ना ऊंचाई पे वैसा एक तगड़ा मजबूत प्लेटफॉर्म बनाने का। बरोबर भाई। और फिर क्या है ना टॉप रेल, मिड रेल, सीडी, टो बोर्ड ये सब यूज करने का। और साथ में अगर लाइफ लाइन, सेफ्टी नेट, फॉल अरेस्टर ये सब हो ना तो कोई एक्सीडेंट हो किसी वर्कर का ऐसा हो ही नहीं सकता। बाय गॉड बोलता है एकदम जीनियस हो भाई आप। अभी क्या सर्किट ऐसा ही है। एक और इंपॉर्टेंट बात, अपने वर्कर लोगों को मांगता है हमेशा अपने सुरक्षा के लिए बॉडी हार्नेस या लैंड यार्ड एक मजबूत जगह बांध के रखे। बराबर है। साथ में अगर लाइफ लाइन हो तो कोई वर्कर का इंजरी हो ऐसा हो ही नहीं सकता रे सर्किट। बराबर है भाई एकदम। भाई लोग ये था सुरक्षा गिरी का एक बहुत इंपॉर्टेंट लेसन। और अब आगे देखेंगे पूरी पिक्चर। कियास वाला कैसे मजे लेके आ रहा है। पोपट आई शाबाश। ए पोपट भाई अब तेरी क्लास लेगा भाई। पोपट तू इधर खुदाई कर रहा है मेरे को मालूम तेरे को मालूम लेकिन इधर आने जाने वाला गाड़ी को कैसा मालूम। गाड़ी इधर आएगा तो तुम लोग सब ऊपर जाएगा मालूम। समझा। खुदाई करते वक्त आजू बाजू चारों तरफ बैरिकेड लगाने का। समझा क्या। समझा चल फुट अभी। नो बैरिकेड नो खुदाई। खुदाई का काम करते वक्त कई खतरों का सामना होता है। उन वर्कर के लिए भी जो जमीन के अंदर काम करते ये सर्किट सुनना ध्यान देना। और उन वर्कर के लिए भी जो जमीन के ऊपर काम करते तो क्या ऐसे साइट पर भी सुरक्षा गिरी के सारे नियम और रूल फॉलो करना बहुत जरूरी है भाई। लेकिन कैसे। अरे जैसे कि साइट को चारों तरफ से बैरिकेड करना। साइट के आसपास सब गाड़ी बीड़ी ये सब क्लियर करना। स्लोपिंग यानी कि ढलान को मेंटेन करना। ये खुली पत्थर मिट्टी ये सब बरोबर साइड में लगाना। बिल्डिंग मटेरियल को कभी भी साइट के आसपास नहीं लगाना। ये सब सिंपल है रे। तो क्या ये सब फॉलो करेंगे ना तो ये लोग सब हमेशा तेरी तरह हंसते रहेंगे हैप्पी। आजा भाई। देखा सर्किट। ये मिट्टी और पत्थर ना अंदर रोल हो सकता है। पिछू स्लोप नहीं किया ना ये लोग। ये मिट्टी अंदर जाएगा वर्कर लोग अंदर ही खलास। सही बात है। ये मिट्टी साइड से पीछे ही स्लोप करना मांगता है भाई। ऑलवेज रे सर्किट। भाई लो ये लकड़ी वकड़ी ये बाकी माल रखने का और भी तो जगह होएगा ना। ये सब इधर रखेगा ना ये माल भी जाएगा और आदमी लोग भी जाएगा मालूम। हाँ समझा। याद रखने का हमेशा। अभी हटाओ प्लीज। हाँ वेरी गुड भाई काम कर रहे। हाँ वेरी गुड वेरी गुड। आजा सर। भाई अभी कौन सी सुरक्षा गिरी बाकी है। ये गाड़ियां देख रहा सर्किट। हाँ
इन गाड़ियों से अपना वर्कर लोग को बहुत डेंजर है। तो अभी देखते हैं ट्रैफिक सेफ्टी, बोले तो इन गाड़ियों से और इन गाड़ियों की सुरक्षा कैसे। अरे अगर अपना ड्राइवर लोग थोड़ा सा भेजा वापरेगा ना तो बहुत जाने बच सकती। लेकिन कैसे भाई? हर ड्राइवर के पास एक सेफ ड्राइविंग परमिट होना, गाड़ी रिवर्स करते वक्त रिवर्स अलार्म लगाने का, ओवरटेक नहीं करने का, गाड़ी धीरे चलाने का। और चलती भी गाड़ी से कभी भी उतरने का या चढ़ने का नहीं। एक और बात, भारी मशीनरी या मटेरियल लोड होना तो ट्रक से बाहर निकले हुए मटेरियल के ऊपर हमेशा एक लाल लाइट या लाल झंडा लगाने का। लेकिन भाई देखो ना, ये अपने ड्राइवर लोग कैसी कैसी मिस्टेक करते हैं। हर ड्राइवर के पास एक सेफ ड्राइविंग परमिट होना, गाड़ी रिवर्स करते वक्त रिवर्स अलार्म लगाने का, ओवरटेक नहीं करने का, गाड़ी धीरे चलाने का। और चलती भी गाड़ी से कभी भी उतरने का या चढ़ने का नहीं। एक और बात, भारी मशीनरी या मटेरियल लोड होना तो ट्रक से बाहर निकले हुए मटेरियल के ऊपर हमेशा एक लाल लाइट या लाल झंडा लगाने का। लेकिन भाई देखो ना, ये अपने ड्राइवर लोग कैसी कैसी मिस्टेक करते हैं। स्पीड बोले तो डेथ वारंट, बोले तो एकदम खलास। ए भाई धीरे, बहुत जल्दी है भाई तेरे को, किधर जाने का? आराम से। कच्चा रास्ता पर चलना बोले तो वर्कर लोग के लिए डेंजर और गाड़ियों के लिए डबल डेंजर। ऐसे रास्ते पर गाड़ी और वर्कर लोग का ध्यान रखने का, सही है भाई? एकदम सही है सर्किट। भाई धीरे, अभी जा। क्या भाई ऐसे कच्ची रोड पे ये लोग गाड़ी चलाते यार। चल कोई बात नहीं, समझा दिया ना अपन। अंकल आइए नीचे आइए। अरे रिवर्स हॉर्न नहीं, हेल्पर नहीं, आप रिवर्स कर रहे हैं, पीछे लोग हैं। मेरे भाई तेरे को जैसे जीने का हक है ना, वैसे उन लोग को भी है। अरे रास्ता सिर्फ आपके लिए नहीं है, वर्कर लोग के लिए भी है। आराम से सब बाजू देख के जाइए। चलो भाई ना, बुजुर्ग हो के है तो क्या है ना सर्किट। सावधान ऑलवेज सुखी। अब ये मामू को देख, ट्रक के नीचे सोया। ए भाई, ए मामू, क्या रे तेरे को सोना है? सीधा घर जा या तो सीधा ऊपर चला जाएगा। फिर से ट्रक के नीचे सोया ना, मार पड़ेगा तेरे को। अभी जा। हाँ कमाल, क्या रे ये लोग। ड्राइवर लोग को मांगता कि गाड़ी स्टार्ट करने से पहले गाड़ी का आजू बाजू ऊपर गाड़ी के नीचे सब बरोबर चेक करने का। फिर गाड़ी स्टार्ट करने का। इलेक्ट्रिकल सेफ्टी बोले तो बिजली का लोचा। यानी भाई इलेक्ट्रिकल लोचे से सुरक्षा गिरी तक? साइट पर बिजली का काम बोले तो सबसे खतरनाक। खतरनाक? और इसका एक ही रीजन है, लापरवाही। लापरवाही? बिजली के तारों को सही तरीके से न जोड़ना, सही प्लग का इस्तेमाल न करना, नंगे तार को इधर उधर लापरवाही से फेंक देना, इस सबसे बहुत एक्सीडेंट होता रहे। अरे मरता था अभी। सॉरी भाई, थैंक यू। चल निकल, ये पोपट ना, ये पोपट, ये सर्किट समझा ना इसको। ये पोपट क्या रे, तू फिर मिस्टेक कर ले।
तेरे को कितनी बार समझा रहे, ऐसे केबल वायर में जॉइंट मारेगा तो तू भी खलास और तेरे आजू बाजू में सारे वर्कर्स लोग भी खलास, समझा क्या? अरे मेरे आलसी पोपट जॉइंट नहीं मारेगा, अखा केबल चेंज कर अभी, चल रहे सर्किट।